हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे। सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उसमें आप सभी को हेल्प मिलेगी। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है, जो प्रजामंडल और संस्थापक जो हमें याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, तो उनको दोस्तों याद करने की ट्रिक है। एक वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके दो या तीन वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो पूरे ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रजामंडल किसने उसकी स्थापना की है, उसका पुनर्गठन किसने किया था, तो दोस्तों वो सभी आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक को याद नहीं करना, आपको उसको 10 से 12 बार रिपीट करना है, क्योंकि वो जो शब्द है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शनल से आप फिर उसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जयपुर प्रजामंडल से। जो अपना जयपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना किसने की, उसकी जो पुनर्गठन है वो किसने किया, उन सभी के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे हम। तो जयपुर प्रजामंडल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की। जयपुर प्रजामंडल की ट्रिक है दोस्तों, जयपुर की कपूर जन्म से हीरा है। इंटरेस्टिंग है, जयपुर की कपूर जन्म से हीरा है, ये ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्तों, तो इसको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। इसको 10 से 12 बार दोस्तों रिपीट कर लेना, ये शब्द आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो जयपुर की कपूर जन्म से हीरा है, जयपुर से जयपुर प्रजामंडल याद रख लेना कि जयपुर प्रजामंडल है, ठीक है। कपूर से याद रखना दोस्तों, जो कपूर चंद पाटनी थे, जो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में, लेकिन वो शिक्षित नहीं हुई, आगे नहीं चली। तो फिर जन्म से याद रखना दोस्तों जमुना लाल बजाज, जन्म से याद रखोगे जमुना लाल बजाज। दोस्तों इसका पुनर्गठन किया था इन्होंने 1936-37 के अंदर। और दोस्तों हीरालाल शास्त्री, हीरा से याद रखना, हीरालाल शास्त्री जो 1936-37 में इसका पुनर्गठन ये दोनों मिलकर करे थे, जमुना लाल बजाज और हीरालाल शास्त्री, ये दोनों ने पुनर्गठन किया था जयपुर प्रजामंडल का। नेक्स्ट है दोस्तों जो बीकानेर प्रजामंडल है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों, याद ये तो याद रखना पड़ेगा। अब ट्रिक है इसकी दोस्तों, कि मेघ बिका कल कागज पर, मेघ बिका कल कागज पर, तो मेघ से याद रखना दोस्तों मेघाराम, दोस्तों मेघ से याद रखना मेघाराम, मेघाराम वेद, जो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बिका से याद रखना दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल, कल से याद रखना दोस्तों कलकत्ता में इसकी पुनर्स्थापना हुई थी, कलकत्ता में पुनर्स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, कलकत्ता में, याद रखना ये बाहर हुई थी इसलिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में नए होकर कलकत्ता के अंदर इसकी, इस बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कागज से याद रखना दोस्तों जो कागज कांड है, कागज कांड जो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था, उस वो कागज कांड भी बीकानेर से ही संबंधित है दोस्तों, याद रह जाएगा। मेघ बिका कल कागज पर, आसान सी ट्रिक है, इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, जो ये शब्द आपकी खोपड़ी में फिट हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको कभी भी पूछेगा कि कागज कांड कहाँ हुआ था तो तुरंत याद आ जाएगी ट्रिक, कि मेघ बिका कल कागज पर, तो कागज कहाँ बिका था, बिका बिका कागज बिका, तो कागज कांड कहाँ हुआ, बीकानेर में, इसकी आसान सी ट्रिक है दोस्तों। और नेक्स्ट है जो मारवाड़ प्रजामंडल है दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 में, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। इसकी ट्रिक है दोस्तों, जो मारवाड़ का व्यास है भंवर अध्यक्ष है, जो मारवाड़ का व्यास है भंवर अध्यक्ष है, तो दोस्तों मारवाड़ से याद रखना मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ से याद रखोगे मारवाड़ प्रजामंडल। और जो से याद रखना दोस्तों, ये जोधपुर में स्थापना हुई इसकी, जोधपुर में स्थापना हुई। व्यास से याद रखना दोस्तों, जयनारायण व्यास इसकी स्थापना की थी, जयनारायण व्यास के द्वारा। भंवर है, भंवर से याद रखना भंवर अध्यक्ष, तो भंवर लाल सर्राफ कौन क्या थे इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। इंटरेस्टिंग है, सब याद हो जाएगा दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसलमेर प्रजामंडल दोस्तों, जैसलमेर प्रजामंडल की छोटी सी ट्रिक है, जैसे मीठा, जैसे मीठा
याद हो जाएगी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में, जैसे से हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, और इसकी स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने, इसकी स्थापना किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। ये हो गई दोस्तों जैसलमेर की ट्रिक। किशनगढ़ की दोस्तों, किशनगढ़ प्रजामंडल की याद रखना कि किशन की क्रांति, क्या याद रखोगे, किशन की क्रांति, इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, किशन की क्रांति, तो किशन से याद रखना दोस्तों किशनगढ़, किशनगढ़ प्रजामंडल, क्रांति से याद रखना दोस्तों कांतिलाल चौथानी, वो तो ऑप्शन में दिया होगा, आपको बस किशनगढ़ बताना है कि किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो ट्रिक अगर याद होगी आपको, ट्रिक याद नहीं रखना, मतलब ये शब्द दिमाग में आ जाने चाहिए कि किशनगढ़ प्रजामंडल पूछते ही क्या है कि किशन की क्रांति, तो किशन की क्रांति हुई थी कांतिलाल चौथानी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के द्वारा। सिरोही, सिरोही से दोस्तों याद रखना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, और इसकी ट्रिक है कि गोकुल भाई मुंबई का सिर है, गोकुल भाई क्या है, मुंबई का सिर है, आसान सी ट्रिक है कि गोकुल भाई मुंबई का सिर है। ये जो सिरोही प्रजामंडल है, इसकी भी स्थापना दोस्तों राजस्थान में न होकर बाहर हुई थी, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में दोस्तों, कहाँ हुई थी, राजस्थान से बाहर, मुंबई में, मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों। और कलकत्ता में, कल किस में आया था, मेघ बिका कल कागज पर, तो मेघ से मेघाराम वेद आ गया था, बिका से बीकानेर आ गया था, कल से हो जाएगा कलकत्ता। तो एक तो हुई थी बीकानेर की राजस्थान से बाहर, और दूसरी है सिरोही की, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी राजस्थान से बाहर हुई थी मुंबई में, और इसकी स्थापना की थी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने। सिर से याद रखना दोस्तों सिरोही प्रजामंडल, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी जो भी है उसके आगे के जो प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल हो गया, डूंगरपुर प्रजामंडल हो गया, बांसवाड़ा, शाहपुरा, इन सभी की दोस्तों ट्रिक बड़ी आसान है, आपको याद नहीं करना, उसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, जिससे शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे दोस्तों, और फिर आपको शब्दों से ही आप आंसर दे सकोगे। तो दोस्तों पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लेना, उसको उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हंसते रहें दोस्तों, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का।